हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह और इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन लगाने वाले हैं और इससे पहले मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन लगा चुके हैं और आज हम लोग कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन लगाएंगे। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक कैंटिलीवर बीम के डिज़ाइन के सारे स्टेप्स का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उस वीडियो में ये बताया गया है कि कैंटिलीवर बीम का डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से स्टेप हम यूज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे स्टेप्स उस कैंटिलीवर बीम का डिज़ाइन में बताया गया है। तो पहले आप उसे देख लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाइए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि डिज़ाइन अ कैंटिलीवर बीम फॉर अ 3 मीटर लेंथ। एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लंबाई 3 मीटर है, उस पर 14 किलो न्यूटन पर मीटर का इम्पोज्ड लोड लगा हुआ है। इसे हमें बाई LSM यानी लिमिट स्टेट मेथड से सॉल्व करना है, जिसमें कंक्रीट की ग्रेड M20 और स्टील का ग्रेड Fe415 प्रोवाइड करना है या यूज करना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन लगाते हैं। तो कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको एक बार फिगर बना के दिखा दूं कि बीम होता कैसा है। बीम आपका कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जिस एंड पर ये फिक्स्ड होता है उसका डेप्थ ज़्यादा होता है और जो फ्री एंड होता है उसका डेप्थ कम होता है। ये हो गया आपका कैपिटल L, ये हो गया आपका स्मॉल L। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो यहाँ बताने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए हमारा स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है कि डेप्थ ऑफ बीम। फर्स्ट स्टेप है हमारा डेप्थ ऑफ बीम एट फिक्स्ड एंड। देखिए ये आपका कैंटिलीवर बीम है, एक तरफ ये फिक्स होता है और दूसरी तरफ ये फ्री होता है। जिस तरफ फिक्स होता है उधर बीम की डेप्थ ज़्यादा लेके चलते हैं और यहाँ पर बीम की डेप्थ हम कैपिटल डी मान लिए हैं। दूसरी तरफ जिधर ये फ्री होता है उधर वहाँ पर हमने डी डैश मान लिया है, यानी वहाँ पर डेप्थ ऑफ बीम डी डैश मान लिया है। और ये है आपका सपोर्ट के अंदर से और बाहर जितना ये बीम का लंबाई होता है उसे बोलते हैं क्लियर लेंथ ऑफ बीम यानी कैपिटल L। और इस बीम के सेंटर से और बाहर जो टोटल बीम का लंबाई होगा वो हो जाएगा आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम एंड स्मॉल L। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेप्थ ऑफ बीम एट फिक्स्ड एंड यानी कैपिटल डी का वैल्यू। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या होता है स्पान बाई 7। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे डेप्थ ऑफ बीम एट फिक्स्ड एंड। तो डी हो जाएगा आपका स्पान कितना है आपका 3 मीटर, इसे mm में ले लेंगे तो 3000 mm डिवाइड बाई 7। तो यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा 428 mm या इसे हम कह सकते हैं 430 mm। ठीक है, अब यहाँ पर हम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम निकाल लेंगे यानी स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम स्मॉल डी। कैसे निकालेंगे, ये स्टेप नंबर 2 होगा आपका। स्मॉल डी निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर। कैपिटल डी में से इफेक्टिव कवर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से स्मॉल डी का वैल्यू निकल जाएगा। कैपिटल डी है आपका 430
माइनस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर यहाँ पर 30 mm मान लीजिए या 40 mm मान लीजिए, मान लीजिए आपने 30 mm मान लिया तो डी आपका हो जाएगा 400 mm। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड आपका होगा डेप्थ ऑफ बीम एट फ्री एंड, यानी डी डैश जो फ्री एंड है वहां पर डेप्थ क्या होगा। तो डी डैश इसको मैंने आपको बताया है कि 100 mm से लेकर के 150 mm के बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर 120 mm ले लिए, 120 mm, यानी डी डैश आप 100 mm से लेकर 200-150 mm के बीच आप कुछ भी ले सकते हैं। स्टेप नंबर फोर होगा विथ ऑफ बीम स्मॉल बी, इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है डी बाई टू से लेके डी बाई थ्री तक आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डी बाई टू ले लीजिए और डी का वैल्यू कितना है 430 mm बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका 430 बाई टू 215 mm। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैपिटल डी हो गया 430 mm, स्मॉल डी हो गया 400 mm, डी डैश हमने ले लिया 120 mm और स्मॉल बी हो गया 215 mm। इसके बाद क्या काम करेंगे, अब हम निकालेंगे सेल्फ वेट। देखिए कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चन में सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो वेट निकालना होता है, यानी बेंडिंग मोमेंट तक। अगर आपने बेंडिंग मोमेंट तक सही ढंग से लगा लिया तो फिर आपको क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बिल्कुल सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ही सॉल्व होता है पूरा। फिर तो स्टेप नंबर फाइव पे चलते हैं, सेल्फ वेट। W1 इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी इससे पहले हम इफेक्टिव लेंथ भी निकाल लीजिए, इफेक्टिव लेंथ भी निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में जो लेंथ दिया गया है वो दिया गया है क्लियर लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ आपका हो जाएगा स्मॉल है, इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या फॉर्मूला होता है, एल प्लस डी बाई टू और एल प्लस विथ ऑफ सपोर्ट बाई टू, इन दोनों में जो सबसे कम होता है वो वैल्यू हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो कैपिटल कैपिटल कितना दिया गया है 3 meters, तो 3 meters प्लस स्मॉल डी, स्मॉल डी कितना है 400 mm, इसको मीटर में बनाओगे तो क्या हो जाएगा 0.400 और एल प्लस ये बाई टू हो जाएगा 3 प्लस विथ ऑफ सपोर्ट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो यहाँ पे हम अपने से मान लेंगे 300 mm मान लीजिए, तो 0.300 इसको मीटर में ले लिए बाई टू, इन दोनों में जो सबसे कम होगा तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 meters और इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.15 meters, तो इन दोनों में सबसे कम क्या है 3.15 meters, यानी कि स्मॉल एल का वैल्यू हो जाएगा 3.15 meters। ठीक है दोस्तों, वैसे क्वेश्चन में दिया रहता है विथ ऑफ सपोर्ट, अगर विथ ऑफ सपोर्ट क्वेश्चन में नहीं देता है तो आप 300 mm मान लिया करेंगे हमेशा विथ ऑफ सपोर्ट 300 mm। तो देखिए यहाँ से हमने क्या निकाल लिया स्मॉल एल। ठीक है,
अब हम एक काम करते हैं, जो वैल्यू हमें मिल गया उसको एक जगह लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसे मिटा के फिर इसे सॉल्व करेंगे, आगे स्टेप में बढ़ेंगे। तो जो वैल्यू दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं, इम्पोज्ड लोड आपका दिया गया है 14 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। कैपिटल डी आपने निकाला 430 mm, स्मॉल डी आ गया 400, डी डैश 120 mm, स्मॉल बी 215, स्मॉल एल 3.15 मीटर। आपने ग्रेड कितने का यूज किया है, M20 का, और Fe 415 का, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, और L का वैल्यू कितना दिया है 3 मीटर। चलिए तो सॉल्व करते हैं फिर इसे। अब स्टेप नंबर हमारा 5 तक हो गया था, ठीक है। स्टेप नंबर 6, अब हम निकालेंगे सेल्फ वेट ऑफ बीम W2। इसके लिए फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू डी। डी यहाँ पर हम एवरेज लेंगे, क्यों, क्योंकि एक तरफ उसका डेप्थ जो है ज़्यादा है और एक तरफ कम है। तो D प्लस डी डैश बाई 2 इंटू 25,000 न्यूटन। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे W2 यानी सेल्फ वेट ऑफ बीम। यहाँ पे सबको मीटर में लेके चलेंगे, जब तक हम टोटल बेंडिंग मोमेंट नहीं निकाल लेंगे तब तक सारे लेंथ के जितने भी वैल्यू हैं उनका यूनिट जो होगा वो मीटर में ही लेके चलना है, न्यूटन और मीटर में ही आपको लेके सभी वैल्यू चलना है। L का वैल्यू कितना है 3.15, स्मॉल बी 0.215, कैपिटल डी 430 यानी 0.430 प्लस डी डैश 120 mm यानी 0.120 बाई 2 इंटू 25,000। तो इसे सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, 3.15 इंटू 0.215 इंटू 0.430 प्लस 0.12 इंटू 25,000 डिवाइड बाई 2। ये हो गया सेल्फ वेट ऑफ बीम। सेल्फ वेट ऑफ बीम इसके बाद हम क्या निकालेंगे, देखिए होता क्या है कि ये जो टोटल सेल्फ वेट ऑफ बीम लगा बीम का, वो बीम के कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट पे लगा होगा। अब वो सेंटर पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होता है वो मैंने इससे पहले वाले जो डिज़ाइन करते समय कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर बताया हुआ है फिगर बना करके, कि जो फिक्स सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट से मान लीजिए एक्स बार के डिस्टेंस पे
उसका जो है पूरा जो लोड होता है, वेट होता है, वो एक्ट करता है एक्स बार के डिस्टेंस पे। और एक्स बार का मैंने फॉर्मूला बताया है आपको वहाँ पे, एक्स बार बराबर क्या होता है, डी प्लस टू डी डैश अपान डी प्लस डी डैश इंटू एल बाई थ्री। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, एक्स बार, एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल डी का वैल्यू 0.430 प्लस 2 इंटू 0.120 अपान 0.430 प्लस 0.120 इंटू एल, एल का वैल्यू है 3.15/2। ये एक्स बार का वैल्यू आ गया आपका 0.430 प्लस 2 इंटू 0.12, ये हो जाएगा 1.91 एल बाई थ्री है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1.27 मीटर। तो अब हम इस सेल्फ वेट से जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसे निकालेंगे, यानी M1। और बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स यानी लोड है आपका W2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स बार, W2 इंटू एक्स बार। तो यहाँ से M1 हो जाएगा, W2 का वैल्यू है 1.91 न्यूटन मीटर में आ गया, W2 है, तो यहां से आपका M2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है इस क्वेश्चन में, कैंटिलीवर बीम में, कि पहले हम सेल्फ वेट निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले से सेल्फ वेट आ गया, ठीक है। तो हमने, हमें निकालना है मोमेंट, तो मोमेंट इज इक्वल टू होता है लोड इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, डी प्लस टू डी डैश अपान डी प्लस डी डैश इंटू एल बाई थ्री। इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस यानी एक्स बार निकालेंगे, और जो सेल्फ वेट के वजह से वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है, उस बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है M2 इज इक्वल टू W2 इंटू एक्स बार, यानी इस वेट और इस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेल्फ वेट के वजह से मोमेंट हो रहा है उस बीम में, वो बेंडिंग मोमेंट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमने M2 निकाल दिया। अब हमें क्वेश्चन में W1 दिया गया है, यानी इम्पोज्ड लोड दिया गया 14 किलो न्यूटन पर मीटर का। इस लोड से जितना बेंडिंग मोमेंट हो रहा है वो हम अलग से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, देखिए वो ये कैंटिलीवर बीम है और UDL लोड दिया गया है, तो UDL और कैंटिलीवर बीम के लिए जो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है, यानी M2 बराबर वो होता है WL² / 2। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट जो इम्पोज्ड लोड लगा हुआ है आपका। तो यहाँ पे W1 कर दीजिए, W1 का वैल्यू है 14 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 14,000 कर लीजिए, किलो को हटा दीजिए, 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है, इंटू एल, एल का वैल्यू कितना है 3.15² / 2। ये वैल्यू भी आपका आएगा न्यूटन मीटर में, तो 14,000 इंटू 3.15² / 2, तो ये हो जाएगा आपका 69457.5 न्यूटन मीटर। तो इम्पोज्ड लोड के कारण जो मूवमेंट हुआ वो इतना हो गया आपका, और जो सेल्फ वेट के कारण हुआ वो आपका
मूवमेंट ये हो गया। अब हम निकालेंगे टोटल बेंडिंग मूवमेंट। टोटल मूवमेंट कितना होता है? टोटल मूवमेंट इज इक्वल टू, यानी m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। m इज इक्वल टू, m1 है आपका 5955.44 प्लस m2 69457.5। यह है आपका न्यूटन मीटर में, ठीक है। अब हम यहां से मूवमेंट हमारा हो गया न्यूटन मीटर में। अब हम लास्ट में इसे क्या करेंगे, न्यूटन एमएम में बना लेंगे। तो इसे आप बेंडिंग मूवमेंट भी कह सकते हैं। टोटल बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा आपका, इसे लिख सकते हैं 75.412 इंटू 10^6 न्यूटन एमएम। देखिए तीन संख्याओं पे हमने पॉइंट लगा दिया, तीन जीरो यहाँ से मिल गया और एक मीटर में 1000 mm होता है, तीन जीरो वहाँ से मिल गया तो 60 हो गया, 10^6 हो गया। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट। अब हम निकालेंगे इस बेंडिंग मोमेंट के बाद निकालेंगे इसका डिज़ाइन मोमेंट कितना होगा। इसका अब हम निकालेंगे डिज़ाइन मोमेंट, यानी MU कह सकते हैं। MU कैसे निकालेंगे, 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 113.11 इंटू 10^6 न्यूटन एमएम। यहाँ से हमें एमयू का वैल्यू मालूम चल गया, यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है आपका ये। इसे या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या डिज़ाइन मोमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये 6 कंप्लीट हुआ। इसे 7 कह सकते हैं क्योंकि मूवमेंट भी आ गया, लोड भी आ गया और मूवमेंट भी आ गया। तो ये 7 हो गए हमारे, या 6 कह सकते हैं, ठीक है। तो MU का वैल्यू आ गया, इसे यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इसके आगे का जो स्टेप होगा, जैसे आपने सिंपली सपोर्टेड बीम में सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। आगे के सारे स्टेप्स आपके सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ही होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 7 में चलते हैं और अब हम निकालेंगे अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी एक्सियो लिमिट निकालेंगे। सारे स्टेप्स बिल्कुल सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ही हैं, जैसे मैंने पहले इससे पहले जो क्वेश्चन लगाया हुआ है। एक्सियल लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, 700d अपान में 1100 प्लस 0.87 fy। एक्सियल लिमिट हमेशा d के टर्म्स में निकालते हैं, टर्म्स ऑफ d, हमेशा इसे आप d के पदों में निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 700d अपान में 1100 प्लस 0.87 fy।
यहाँ पर Fe415 यूज किया गया है और Fe415 के लिए जो Fy की वैल्यू होती है वो 415 होता है। तो ये हो जाएगा 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 इंटू 415 0.479 इंटू डी। ये हो गया एक्सयू लिमिट। एक्सयू लिमिट निकालने के बाद अब हम निकालेंगे मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी एमयू लिमिट। एमयू लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्सयू लिमिट इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिट। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे एमयू लिमिट। तो एमयू लिमिट क्या हो जाएगा आपका, 0.36 इंटू FCK। FCK देखिए M20 के लिए जो FCK का वैल्यू होता है वो 20 होता है, इंटू बी, बी का वैल्यू नहीं रखना है, इंटू बी। XU लिमिट का वैल्यू 0.479 इंटू डी, डी को डी लिखेंगे माइनस 0.42, XU लिमिट का वैल्यू 0.479 इंटू डी। ध्यान देना है आप, यहाँ पर B और D का वैल्यू नहीं रखना है, हमें BD स्क्वायर के टर्म्स में सॉल्व करना होता है इसे। तो MU लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इस B को लिख लीजिए, इस D को लिख लो, इन दोनों में से D कॉमन ले लीजिए तो BD स्क्वायर हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, टू पॉइंट सेवन सिक्स बी डी स्क्वायर, ठीक है। अगला स्टेप हमारा होगा स्टेप नंबर 9, चेक इन डेप्थ, यानी अब हम डेप्थ की गहराई जो है बीम का उसका हम जांच करेंगे, चेक करेंगे। इसके लिए इसी फॉर्मूले से बनाया गया है, डी इक्वल टू अंडर रूट एम यू अपॉन क्यू इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए MU क्या है, जो आपने MU निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वही वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। कितना है, 113.11 इंटू 10 टू द पावर 6। क्यू क्या होता है, जो BD स्क्वायर का कोफिशियंट है वही होता है क्यू, यानी 2.76। और B का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं 215 में। ये आ गया 436 mm। और इससे पहले जो हमने स्मॉल डी निकाला हुआ है वो कितना है, 400 mm। तो ये गहराई आपका, ये जो डेप्थ है, हमेशा ये डेप्थ आपका जो आपने प्रोवाइड कर रहे हो, जो एज्यूम कर रहे हो, उससे हमेशा ये कम होनी चाहिए या लगभग बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये 436 mm आपका डेप्थ ज़्यादा हो गया। अगर ये डेप्थ ज़्यादा हो गया तो हमें क्या करते हैं, रीडिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना हमेशा, ये जो आपने स्मॉल डी निकाला हुआ है, ये स्मॉल डी और जो यहाँ पे हमने स्मॉल डी 400 mm निकाला हुआ है, इससे हमेशा और हमेशा ये कम होनी चाहिए, ये कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ज़्यादा आ गया, कितना ज़्यादा आ गया है, 36 mm। तो देखिए 36 mm, 36 mm बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हम कोशिश करते हैं ये हमेशा ऐसा डिज़ाइन हम करें कि ये हमेशा कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कम नहीं आया बल्कि 36 mm, 36 mm ज़्यादा आ गया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो हमारा नियम कॉन्सेप्ट बोलता है वो यही कहता है कि हमारा डिज़ाइन यहाँ पर फेल है। इसके लिए हम क्या करते हैं,
रीडिजाइन करना होता है। लेकिन 36 mm, अब मैं आपको अपने से बता रहा हूँ कि 36 mm ज़्यादा नहीं है। नियम ये कहता है कि लगभग अप्रॉक्स उसके होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो 36 mm बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं एक चीज़ यहाँ लिखूँगा, यहाँ पर दिस डेप्थ इज अप्रॉक्स इक्वल टू एज्यूम डेप्थ और प्रोवाइड डेप्थ। ये जो हमने डेप्थ निकाला हुआ है, ये डेप्थ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं लगभग उसके इक्वल है, लगभग बराबर है, यानी हमारा डिज़ाइन ओके है। ठीक है, तो दोस्तों 36 mm बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 3.5 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा 9 स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट पे। अब हम यहाँ से निकालेंगे मिनिमम रेनफोर्समेंट। इसे एक बार और चेक कर लेते हैं। सही है, ठीक है। स्टेप नंबर 10 रिइंफोर्समेंट। इसके लिए फॉर्मूला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। mu इक्वल टू 0.87 fy इंटू इंटू d माइनस 0.42 xu। mu का वैल्यू आप यही रखेंगे जो यहाँ पे दिया गया है, जो हम लोग निकाल चुके हैं पहले, 0.87 इंटू fy, fy की वैल्यू कितनी है, 415 इंटू d का वैल्यू हम लोग यही हमेशा लेके चलेंगे, 400 mm माइनस 0.42 xu का वैल्यू, जो xu लिमिट का वैल्यू निकाले हुए हैं वही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। xu लिमिट का वैल्यू कितना था, 0.479 इंटू डी और d का वैल्यू है 400 mm। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.87 इंटू 415 इंटू 400 माइनस 0.42 इंटू 0.479 इंटू 400। ESD बराबर हो जाएगा 980.44 mm². ये AST है जितना हमें रिक्वायर्ड है।
अब हम ये निकालेंगे हमें प्रोवाइड कितना करना है। इससे इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बार निकालते हैं कि नंबर ऑफ बार हम कितना प्रोवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ बार के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एएसटी डिवाइड बाई एक स्टील के एरिया से हम डिवाइड कर देंगे पाई बाई फोर इंटू डाया का स्क्वायर। ये जो डाया है वो हम स्टील का डाया अपने से हम एज्यूम कर लेंगे। तो लेट यूज डाया ऑफ बार 16 mm। मान लीजिए हमने 16 mm का यहाँ पर स्टील बार यूज किया तो नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा, ए एस टी 980.44 डिवाइड बाई पाई बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम एन का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम नंबर ऑफ बार निकालेंगे, एन इज इक्वल टू 980.44 इंटू 4 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 16 का स्क्वायर 4.87 बार। जो नंबर ऑफ बार निकल के आया 4.87 बार आया, लेकिन हम 4.87 बार प्रोवाइड तो कर नहीं सकते, तो हम इसे क्या कहेंगे, लगभग 5 बार यूज कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं से n इज इक्वल टू 5 बार। जब हमने यहाँ पे 5 बार ले लिया तो AST की क्वांटिटी कुछ न कुछ तो बढ़ेगा, तो एक्चुअल में AST कितना आएगा अब हम वो निकालेंगे। तो एक्चुअल AST कितना आएगा कैसे निकालेंगे, AST इज इक्वल टू n इंटू पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर। अगर हमने 16 mm का 5 बार यूज कर रहे हैं तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, एक स्टील के एरिया से हम जितने भी नंबर ऑफ बार होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल जो नंबर ऑफ बार यूज कर रहे हैं उसका हमें एरिया निकल के आ जाएगा। तो n का वैल्यू है 5, पाई बाई 4 इंटू डाया कितने का है, 16 का है। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू पाई इंटू 16 का स्क्वायर बाई 4। जो AST हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये वही AST आपका ये है, यानी अब हम 980.44 प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बल्कि कितना 1005.30 mm² का एरिया हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हम अब हमारा 10 स्टेप कंप्लीट हो गया। इस 10 स्टेप के बाद हम स्टेप नंबर 11 पे चलेंगे, मिनिमम रेनफोर्समेंट। मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, AST नॉट इज इक्वल टू 0.85 BD अपान में FY। 0.85 BD, B का वैल्यू कितना है 215 और D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है 400 mm डिवाइड बाई FY 415। मिनिमम रेनफोर्समेंट का जो वैल्यू होता है और जो हम AST प्रोवाइड करते हैं उससे हमेशा कम होना चाहिए, अगर कम आता है तो हम कहेंगे हमारा डिज़ाइन ओके यानी करेक्ट है। तो हम लिखेंगे AST नॉट इज लेस देन AST सो डिज़ाइंड ओके। ठीक है, इसके बाद दो स्टेप और होगा,
check in seer, and last step, check in bond. ये दो स्टेप ऐसे हैं कि इन दोनों स्टेप को हम यहाँ पे नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है जो कि हर एक क्वेश्चन के लिए, वहाँ पर मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम का भी सीयर चेक बॉन्ड चेक कैसे करेंगे बताया हुआ हूँ मैं, और कैंटिलीवर बीम के लिए भी बताया हुआ हूँ, तो वहाँ से आप उसे देख लेंगे. ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप जो है पहले इस कैंटिलीवर बीम के जो डिज़ाइन की स्टेप मैंने लिखा हुआ है उसका वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसे आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे. ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलूँगा मैं एक नए वीडियो के साथ. जय हिंद, जय भारत.